किसान भाइयों नमस्कार, राम राम। किसान भाइयों, आज मैं पहुंचा हूं पूर्णा राम जी के पास और ये हमें बताने जा रहे हैं एक ऐसा नुस्खा जो फसलों में कई प्रकार के रोगों का निवारण कर सकता है। तो किसान भाइयों, इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य करें। जी पूर्णा राम जी नमस्कार। नमस्कार साहब, नमस्कार जी। ये आपने ये सामान रख रखा है जी, ये क्या काम आता है, इसके बारे में अपने किसान साथियों को बताएं। जरूर बताएंगे साहब जी। सर, ये वैसे तो पुराना नुस्खा है, बुजुर्ग अपने करते आए हैं जी जी, और अपने ने बीच में छोड़ दिया क्यों, अपने पास मार्केट में इतने प्रोडक्ट आ गए ताकि माथा पची अपने ना करनी पड़े जी जी, और सीधा डाला सीधा हो जाए, इसमें थोड़ी सी मेहनत लगी तो इसलिए हमने छोड़ दिया अपने जी जी। और इसको प्रयास दोबारा कर रहे हैं, हालांकि कारगर बहुत है, आजकल तो केमिकल काम ही नहीं कर रहे हैं, कारगर बहुत है। तो मेनली स्पेशल के मैं किन्नू में फार्मर हूँ। अच्छा अच्छा। तो किन्नू पर मुझे काम करने की कोशिश रहती है, कुछ अलग से करें जी जी, अच्छा करें, खर्चा भी कम लगे जी जी। तो मैंने ये प्रयास किया, कुछ काफी लोग कुछ पंजाब में भी लोग ये कर रहे हैं जी जी, तो मेरे को भी अच्छा लगा, मैंने भी यूज किया, उसका रिजल्ट भी मैंने देखा। अच्छा अच्छा। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, किन्नू में जो सिट्रस सिल्लर रोग आता है, अच्छा अच्छा, बहुत ही खतरनाक है वो। हाँ जी। उससे आगे जाके सिट्रस ग्रीनिंग होती है, उसका कोई इलाज नहीं है जी जी। कुछ मैंने बगीचे देखे हैं जहाँ सिट्रस ग्रीनिंग की वजह से खराब हो रहे हैं, कुछ प्लांट डाइवे की तरह सूख रहे हैं जी जी। तो वहाँ ये इस जो इन्होंने अपने स्प्रे किए मिला के जी जी, तो उसकी रिकवरी देखने मिली है। लोग इसको आजकल कॉटन में भी करने लगे हैं जी। मतलब मोटा मोटा ये जो रस चूस कीड़े होते हैं ना, हाँ जी, उनको ये कंट्रोल करता है। मोटा मोटा फार्मूला ये किसी भी में हो, चाहे वो सब्जी में हो, चाहे कॉटन में हो, किसी में हो जी जी, अगर अपने थोड़ा सा प्रूव कर दे तो बहुत बढ़िया इसके रिजल्ट देखने को मिले हैं। अच्छा, तो ये कौन कौन सी चीजें हैं और ये किस प्रकार से किसान भाई इसको बना सकते हैं? हाँ, ये आपका अच्छा प्रश्न है जी जी। जैसे ये कपूर है। अच्छा अच्छा। ये कपूर सत है। अच्छा जी। और ये अजवाइन सत है जी जी। और ये पुदीना सत है जी जी। तीनों को मिला के बनाया जाता है। अच्छा अच्छा। और अब आपको फार्मूला बता दूं जी, 1000 लीटर का। अच्छा। अपने जितना यूज करना है, किसी को 500 करना है, तो उस हिसाब से आपने कैलकुलेट करके अपने 1000 लीटर पानी का, 1000 लीटर पानी का मैं आपको फार्मूला बताने जा रहा हूँ जी जी। उसमें क्या है, बराबर मात्रा में लेना है तीनों को। अच्छा। 250 ग्राम ये लेना है, 250 ग्राम ये लेना है, 250 ग्राम ये लेना है। तीनों क्या है, इसे कांच का एक बर्तन लेना है ऐसा। अच्छा जी। कांच का होना चाहिए, इसके ऊपर ढक्कन होना चाहिए। ठीक है जी। 250 ग्राम, 250 ग्राम और 250 ग्राम ठीक है। कपूर, अजवाइन, पुदीना। अच्छा जी। तीनों को इसमें मिक्स करना है जी जी, और धूप में रख देना है। अच्छा। लगभग 2 से 3 घंटों में अगर हम धूप में रखेंगे ना, ये सारी चीजें आपस में मिक्स होकर पानी बन जाएगा। अच्छा जी। अगर वायदा का टेम्परेचर कम हो तो, अगर नहीं मिले ना, तो धीमी आंच पे कर सकते हैं इसको, या गर्म पानी इसमें डाल सकते हैं। धीमी आंच पे करेंगे तो ये आपस में मिक्स हो जाएगा जी जी। तो उसको 1000 लीटर पानी में डाल के अपने स्प्रे करनी है। अच्छा जी। तो अपने रस चूसक कीड़ों की रिकवरी हो जाएगी सभी में। अच्छा, तो रस चूसक कीड़े हैं या कोई रोग आ जाए उससे पहले करना है इसका स्प्रे, या जब रोग आने के बाद करना है? देखो, इसका अगर पहले स्प्रे करते हैं, अच्छा, प्री अगर करते हैं अपने, हाँ जी, हाँ जी, रोग आने पर तो फिर तो दिक्कत आएगी नहीं। अच्छा। लेकिन ये रोग आने के बाद में तो भी कारगर पाया गया है। अच्छा। किन्नू में तो हमने स्पेशली देखा है, अगर सिट्रस सिल्ला आ गया, प्लांट मर रहा है, हाँ जी, तो भी कारगर देख पाया गया है। अच्छा अच्छा। और कौन कौन सी फसलों में ये उपयोगी हो सकता है, जैसे और जैसे कॉटन है, गेहूं है, सभी फसलों के लिए कारगर है? नहीं, देखो, अगर रस कीड़े लगभग सभी में कर सकते हैं, लेकिन मात्रा थोड़ा सा, डोज थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है इसमें। अच्छा अच्छा। तो वो बाकी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कई कोमल क्रॉप होती है जी जी, नरम होती है, तो उसमें अगर मात्रा ज्यादा लगे तो हालांकि नुकसान नहीं है। अच्छा। लेकिन उसी हिसाब से करना है, डोज उसी हिसाब से अलग अलग निर्धारित करनी है अपने। सफेद मच्छर है, तेला है, अच्छा, कोई एसिड एफिड जो भी है। अच्छा अच्छा। सिसिल्ला हो गया, ये सभी प्रकार कंट्रोल करता है। अच्छा जी, ठीक है जी। और इसका कोई साइड इफेक्ट पौधों पे आपको देखने को मिला है? मैंने तो देखा नहीं है। अच्छा जी। और जिसने पहले से जो यूज करे उनको भी मैंने नहीं देखा है। अच्छा अच्छा। तो कोई साइड इफेक्ट ही होगा इसका? पॉजिटिव रिस्पांस है। हाँ। इसको क्या केमिकल के अंदर मिक्स नहीं करना है। अच्छा। फार्मर क्या करते हैं कि अपन कई कार्यवाहित करते हैं ना, तो फार्मर को केमिकल स्प्रे इसके अंदर मिक्स कर देता है। अच्छा। तो वो चीज नहीं करनी इसके अंदर, इसको अकेला ही करना है। अच्छा अच्छा। आपके द्वारा बताई गई जानकारी किसान भाइयों के लिए एक वरदान साबित हो सकती है। आपने समय निकाला और इतनी अच्छी जानकारी दी रोग निवारण के लिए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद किसान साथियों, जल्दी मिलेंगे एक और अच्छी और सच्ची वीडियो में। धन्यवाद। जय किसान। राम राम।